नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स के। तो बात करते हैं डीएमके चीफ जो है एमके स्टालिन, इस समय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं एमके स्टालिन, याद रखिएगा तमिलनाडु के। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो रोल्स रॉयल्स और एचएएल ने MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। बीआरओ ने 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस बनाया है। अब बात आई है बीआरओ की, तो बता दें कि बीआरओ का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉर्डर की जितने रोडों का काम चलता है, बॉर्डर में जो रोडें निर्मित की जाती हैं वो बीआरओ के द्वारा ही बॉर्डर में काम करवाया जाता है, जिसने अपने अभी 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस बनाया है। और बीआरओ, मैं आपको बता दूं, ये गृह मंत्रालय के अधीन अपना कार्य करता है, दोस्त याद रखिएगा। फिच सॉल्यूशन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को 9.5% तक अनुमानित किया है, याद रखिएगा। बात करते हैं लग्जरी घरों की कीमत वृद्धि में बेंगलोर विश्व स्तर पर 40वें स्थान पर रहा है। बेंगलोर 40वें स्थान पर है, इतनी विश्व लेवल में अगर बात करें तो लग्जरी घरों की कीमत में, इतने वीआईपी लोग वहाँ रखते हैं, तभी इसको आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त। बात आई है बेंगलोर की, तो बता दूं बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो वीएस येदुरप्पा जी हैं, और यही हमारे जो है इसरो का जो अनुसंधान केंद्र है वो बेंगलोर में ही स्थित है मेरे दोस्त। बात करते हैं अगले पॉइंट की, त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्ता के ऑफर पर भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया संयुक्त वक्तव्य आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले लाइन पर, तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के विकास की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन योजना। भारतीय सेना ने नागरिक प्राधिकरण को सहायता का समन्वय करने के लिए कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की है, किसने की है, भारतीय सेना ने। बात करते हैं यूएस कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा माफी का समर्थन करेगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह का अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो सरकार कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए 8 लाख योग्य आयुष पेशेवरों को शामिल करेगी। आईआईटी मद्रास ने ब्लॉकचेन आधारित हेल्थ केयर सूचना प्रणाली विकसित की है। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया उनके लिए स्मरण और सामंजस्य का समय 8 और 9 मई को मनाया गया है। बात करते हैं जोधपुर में मियो का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महेश नगर, याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट है, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, जहां पर एक रेलवे स्टेशन था मियाओं का बाड़ा, जिसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, लॉकडाउन के बीच खुदरा बिक्री के ऑनलाइन हिस्से में 19% तक का उछाल आया है, मतलब ऑनलाइन जो आप आइटम मंगाते हैं वो जो भी खरीदारी करते हैं उसमें 19% की उछाल आई है खुदरा बिक्री के ऑनलाइन रेट में। बात करते हैं अगले पॉइंट की, कोटक महिंद्रा बैंक को ENAM द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट, SIIC टीम ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने को चुनौती शुरू की है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, NDDB ने EESL के साथ डेयरी उद्योग के लिए ऊर्जा कुशल समाधान पेश करने के लिए समझौता ज्ञापन दिया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, हिमंत बिस्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बता दें इसके पहले जो है सर्वानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा हिमंत बिस्व शर्मा को बना दिया। असम की बात आई है तो बता दें कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगदीश मुखी हैं दोस्त। चलते हैं अगले पॉइंट की, मास्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व हॉकी कोच MK कौशिक का कोरोना से अभी निधन हो गया है। बात करते हैं अगले लाइन की, तो चीन का जो रॉकेट था, जो कि चीन का कनेक्शन उस रॉकेट से हट गया था, आपने इस न्यूज को काफ़ी सुर्खियों में देखा होगा, तो
कई देश उसकी जद में आ रहे थे। जो इसका मलबा था ये कोई छोटा रॉकेट नहीं था मेरे दोस्त, इसका जो मलबा था वो कई हजार टन का था। अगर छोटे मोटे देश के ऊपर गिर जाता इसका मलबा तो पूरा देश छत बिछत हो सकता था और हमारे भारत का दिल्ली शहर भी इसकी जद में था। लेकिन शुक्रिया करिए कि जो चीन का रॉकेट का मलबा गिरा वो मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे दोस्त। बात करते हैं अगले लाइन की। नेपाल की कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बना दिया। अब ये नेपाल की कामी रीता हैं जो 25 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा इनके नाम, ये खिताब है। प्राणायाम ने आंध्र प्रदेश के पटरुनी वलसा कोविड केंद्र में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए कोविड रोगियों की मदद करना शुरू कर दिया है। CBSE ने छात्रों और अभिभावकों के लिए मोबाइल ऐप CBSE डोस्ट फॉर लाइफ लॉन्च किया है। CBSE की बात आई है तो बता दें CBSE का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। CBSE के जो चेयरपर्सन है वो मनोज आहूजा जी हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। USA ने विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए ताइवान को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने के लिए WHO से मशवरा किया है। बात करते हैं IBM ने दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप प्रौद्योगिकी का खुलासा किया है। राफेल नडाल और नौमी ओसाका ने लारियंस स्पोर्ट अवार्ड जीते हैं, याद रखिएगा। कल्की कोचलिन अपनी पहली किताब एलिफेंट इन द बॉम्ब को जारी किए हैं। लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। जाने माने संगत रास और राज्यसभा के MP रघुनाथ मोहपात्रा का COVID-19 की वजह से हाल ही में निधन हो गया है दोस्त। चलते हैं अगले पॉइंट की। एलन मस्क की SpaceX ने 2022 में चंद्रमा के लिए एक वास्तविक डॉग कॉइन मिशन की योजना बनाई है। बात आई है एलन मस्क की SpaceX कंपनी की तो बता दें एलन मस्क USA के हैं। एलन मस्क के जो ये SpaceX है इस एजेंसी ने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके कीर्तिमान विश्व में बना रखा है। एलन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले लाइन पर। नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटल इंक्लूसिव भारत पर रिपोर्ट जारी की है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। गगनदीप सिंह बेदी को चेन्नई निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। गिग इंडिया सक्रिय गिग कर्मियों को 3 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। अगले पॉइंट पे नई दिल्ली नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में 32वें स्थान पर है। RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में जोश जे कट्टर की नियुक्ति की है। अब बात आई है RBI की तो RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। RBI का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। बाबर आजम और एलिसा हीली अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, याद रखिएगा। स्वाधीन बंगला बेतार कलाकार अनूप भट्टाचार्य का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलते हैं अगले लाइन की। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्प कोवी वैन शुरू की है। बांग्लादेश ने ढाका में मेट्रो ट्रेन का पहला टेस्ट रन किया। 4थी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वस्तुतः आयोजित की गई। पेटीएम फाउंडेशन ने गुजरात को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए 100 सांद्रक दान किए, ये पेटीएम फाउंडेशन ने किया। बात करें पेटीएम की तो पेटीएम की स्थापना जो है वो आपके नोएडा के व्यक्ति ने की थी। चलते हैं अगले क्रम में। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर फीचर लॉन्च किया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। सुधीर प्रजापति गोदरेज कंज्यूमर में MD और CEO के रूप में शामिल किए गए हैं। भारतीय अमेरिकी रसायनक सुमित्रा मिंत्रा आविष्कारक पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट चुनी गई हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। CBI के पूर्व निदेशक रहतमान का चेन्नई में निधन हो गया है दोस्त। बात करते हैं अगले पॉइंट की। उड़ीसा सरकार बिना ID प्रूफ के भिखारी साधुओं और अन्य कमजोर लोगों के लिए COVID-19 टीकाकरण की अनुमति दी है। बात आई उड़ीसा की तो बता दें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं जो कि अब बिना ID प्रूफ, मान लीजिए कोई साधु संत है जो इधर उधर अपने भजन में लगा रहता है उसको आधार कार्ड या ID प्रूफ से कोई लेना देना नहीं मेरे दोस्त, तो उसके लिए भी नवीन पटनायक जी ने टीकाकरण को प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। बात करते हैं लद्दाख उन्तान सोसाइटी ने UT में समग्र शिक्षा के लिए 167.25 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। बात आई है लद्दाख की तो बता दें कि लद्दाख के जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
वो आर के माथुर साहब हैं। बात करते हैं लद्दाख में ही हिमिस नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमिस, याद रखिएगा मेरे दोस्त। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो जापान और यूएनडीपी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल हुए हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, पेपल ने डिजिटल विदेशी आवक प्रेषण सलाह पेश की है। बात करते हैं अगले पॉइंट, एंटोनियो गुटरनेस ने मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, यूएस में गूगल पे उपयोगकर्ता अब भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट की, हार्ले डेविडसन ने लाइव वायर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सब ब्रांड लॉन्च कर दिया है। बात करें अगर मनीषा कपूर ICS के कार्यकारी समिति में शामिल हुई हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराक के बीच का अंतर 12 से 16 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कोविशील्ड। बात करते हैं अगले पॉइंट की, भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार होंगी। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट हैं, और उनकी जो वरिष्ठ सलाहकार होंगी वो भारतीय मूल की नीरा टंडन होगी। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस हैं। जो बाइडेन के पुत्र का नाम हंटर बाइडेन है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, न्यूजीलैंड की PM जैसिंडा अर्डन फॉर्च्यून की सबसे महान नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। SSII के CEO अदार पूनावाला भी शीर्ष 10 में है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों को विनियमित करने वाला पहला देश बन गया है। CGI ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इंडिकेटिव नोट्स लॉन्च किए हैं। फेडरल बैंक ने UAE के मसरेक बैंक के साथ समझौता किया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, विश्व बैंक ने भारत को 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बताया है मेरे दोस्त, यानी कि प्रेषण जो की बात करें तो जो विदेशों से मतलब बाहरी से जो बाहर के देशों से जो रुपया आया है वो सबसे ज़्यादा इस टॉप लिस्ट में भारत के पास आया है। लगभग 83% विदेशी रुपया भारत के यहाँ आया है। दूसरे नंबर पर चाइना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, उत्तराखंड पुलिस ने COVID-19 रोगियों को ऑक्सीजन बिस्तर प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। उत्तराखंड की बात आई है तो बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्या हैं। और उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क अगर बात करें तो हेली है, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी और इसे जिम कार्बेट के नाम से भी जानते हैं। और उत्तराखंड में ही सबसे पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ब्रिटिश उपन्यासकार पॉल पिकरिंग ने नई किताब हाथी का भारत में विमोचन कर दिया है। RBI ने पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्र ने राज्यों को गंगा नदी में शव फेंकने से रोकने और सम्मानजनक दाह संस्कार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है मेरे दोस्त। तो ये था आज का मई माह का पूरा करंट अफेयर मेरे दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर ये वीडियो की सीरीज करंट अफेयर्स की आपको अच्छी लग रही है, जो कि आपको आने वाले सुपर टेट में बहुत महत्वपूर्ण होगी, 30 नंबर की भूमिका अदा करेगी मेरे दोस्त, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।